पिछले हफ्ते हमने सेवन जाने की एक ट्रिप प्लान की हुई थी। तो जाने से पहले गुल को मुझे एक बड़ी बुरी खबर देनी पड़ी कि मेरी गाड़ी का डाका हो गया, हेड यूनिट को उतार के ले गया और अभी मुझे जमाली ने एस्टिमेट बताया 3 लाख रुपए का नुकसान। 3 लाख खैर इंश्योर्ड है तो गाड़ी की FIR कटवाई और इंश्योरेंस वालों के हवाले कर दी, मगर बदकिस्मती से अभी मेरे साथ सेवन नहीं जा पाएगी। That's where I come in. I saved the day. तो हमें बेसिकली गाड़ी चाहिए थी और हमने कहा कि कुमैल तुम क्या करो, एंड कुमैल लाइक यूजुअल वाजंट डूइंग मच। मामू ने अपनी सिटी पकड़ी और फिर फुल शू मार्कर स्टाइल हमें हाईवे पे सेवन की तरफ ले चले। जवाली कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जा चुके हैं पहले तो? आप तो जा चुके हैं। मैं तो जाता रहता हूं। गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, एडवाइस मैं नहीं करता, मगर एक हमारे भाई जो है हमारे साथ, शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। गांव में पैंट शर्ट या वो पहनते ना शॉर्ट्स, उनको बोलते हैं लिफाफे में गुई। इसका मतलब है लिफाफा है, उसमें गुई है, मतलब पैक है, ये गुई पैक है। तो इट्स एन ओपन इनविटेशन, वेलकम टू जामशोर। रफ्तार घट के करिस SMK not slim, AKA मामू। सो बेसिकली कुमैल को शौक है कि वो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाए, ही लव्स ड्राइविंग, लंबी ड्राइव, ही इज वन ऑफ दोस पीपल। ऐसे करते हैं मुरू के वॉलेट ले लेते हैं और है उसमें से सारे पैसे निकाल देते हैं और पेंगे। Ali got some shots of that guy. सनी मौसम है उधर, एक बंदा अपना सिस्टम कर रहा है, फ्लश कर लेना। मामू अपना मूत विसर्जन कर रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं उतनी देर अपना ड्रोन परवाज कर लूं। इट सीम्ड लाइक वी वर हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम्स अंटिल ओए दरख्त। पहले वो जब जा रहा था मैंने उसे वार्न किया कि पीछे है, आई थिंक ही डिडंट रियलाइज। थ्रू आउट यहां कहीं नहीं है और एक दरख्त है इतना लंबा। क्या वो बचा? किम्बल ओवरलोड, वेल रिसेप्शन तो आ रही है। हां ये रहा, ओ एक विंग गया। ओ पहले तो मुझे लगा कि बुरे दिन आ गए, लेकिन जब ड्रोन उड़ने लगा तो मैंने कहा ऑल इज वेल। इट्स क्वाइट अब्सर्ड दैट 4 hours फ्रॉम कराची देयर आर पीपल हु हैव नो आइडिया व्हाट अ ड्रोन इज। मामू नाउ चैलेंजिंग द हाईवे पोपोस, इनके सामने तो ना भगा जानी। We're recording 2 cameras, 3 cameras at once. 3 cameras at How once. How do we edit this? Vlog in. How do we edit? मैं तो नहीं व्लॉग कर सकता भाई, इतनी गर्मी में आंखें मेरे से खुल रही नहीं है, सनग्लासेस में लाया नहीं हूँ। Like this see? It's shade. So this is like the best hotel in town. Sehwan Divine. Sehwan Divine. Special mention for the hotel that we stayed in. 2 people on one bed and there 4 people in one room. Baba Francis, Sehwan, आप कैमरा तो घुमाओ, ये दिखाओ। Hey. अब हम जा रहे हैं कलंदर। जमाली सीम्स वेरी एक्साइटेड टू डू द धमाल। सो इज मामू। आपके 4-5 जितने प्रोविंस हैं उनमें सबसे कम टेररिस्ट जो आए हैं वो सिंध से आए हैं। वो इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे मौलवी के थ्रू इस्लाम नहीं आया, वहाँ पे सूफीज़म के थ्रू इस्लाम आया है। हमारा यहाँ पे आने का मकसद भी सूफीज़म ही है। हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर के मज़ार को हम देखने आए, जिनका असल नाम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी है, जाय पैदाइश मेवंद अफगानिस्तान। 12वीं सदी में वफात पाए, मगर ये मज़ार 13वीं सदी में बनाया गया था। वक्त के साथ साथ और काम अब तक चलता आ रहा है। अच्छा, जाते जाते मुझे अपनी कैफियत में हल्की सी तब्दीली महसूस हुई, सोचा अंदर जाने से पहले सेवन का बाज़ार देख लें। पुराना सेवन का बाज़ार है, 600-700 साल से शहर इसी तरह ही चल रहा है, तो देर इज़ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन लोकल गलीज। जिस तरह अली गुल पीर कह रहा था कि बड़ा म्यूजिकल सिटी है, उसी तरह बड़ा नॉस्टैल्जिक भी है। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें कराची में अब तो नज़र भी नहीं आती, बाकी
मगर जमाली ये तो पराठे हैं, ये तो मिलते हैं कराची में, ये शायद नहीं मिलते, ये नमक पारे भी मिलते हैं, चेवड़े भी मिलते हैं, ये भी शायद नहीं मिलती। लोग कहते हैं रेड मीट ना खाओ, बट फिश इज नॉट सपोज टू बी रेड मीट, बट इट्स रेड, रेडेड। लाल मच्छी। खैर, दरअसल ये शहर आबाद ही कलंदर के मज़ार के बनने के बाद हुआ है। अच्छा। हाँ ना, यहाँ हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सलामिया हाजिरी देने आते हैं। ना कर। हाँ, तो इसलिए खाने पीने का बड़ा हैवी बंदोबस्त अब तक चलता आ रहा है, क्योंकि क्योंकि जिस्म की गिजा बाजार में और रूह की गिजा मज़ार में। Mr. Ali Gul Pir in his natural habitat, localizing high fives with the locals. Wow, man, he's like the king. He's like the prince of Dadu, man. Ali Gul Pir, prince of Dadu. जो सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मज़ारों वगैरह पे होती है, आपको इंसानियत नज़र आती है, इन द सेंस के जो शख्स जो भी बिलीव करता है उस बिलीव के हिसाब से वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, दुआ मांग रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं, एंड नो वन जजेस अनदर पर्सन। यहाँ पे मैंने हिंदू भी देखे हैं, मैंने सिख भी देखे हैं, और सब यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है और एक वाइब है, और वो मैसेज क्या है, मैसेज है कि हम सब एक हैं। कलंदर सबसे ऊंचे दर्जे के खाना बदोश सूफी दरवेश को कहते हैं, जो खुद को किसी भी सूफी तरीका से नहीं जोड़ता। उसकी इबादत खुदा और उसकी मखलूक को प्यार करना है। जिस कैफियत को हाल कहते हैं, वो मुझ में आती हुई महसूस तो हुई, मगर मैं धमाल के इंतहा तक नहीं पहुंच पाया। शायद मेरे दिल पे कोई कुफल बंधा हुआ है। लोगों के संगम को देख के मैं हैरान सा था। यहाँ 13वीं सदी से लोग आ रहे हैं। मज़ार को देख ही रहा था कि एक खातून के गाने की आवाज़ है। उनकी आवाज़ में एक खास खुलूस था, तो सोचा कि कुछ देर वहाँ पे ही बैठ जाऊँ। कितना अरसा गुजर चुका है मुझे इस जगह आए हुए। शहरी ज़िंदगी की भाग दौड़ में दिमाग हर वक्त चल रहा होता है। वहाँ बैठे हुए उस हस्ती की आवाज़ सुनते सुनते दिमाग खाली सा हो गया और मैं गायब हो गया। माय ओनली रिक्वेस्ट इज गोल, व्हेन यू टेक अस नेक्स्ट टाइम, यू टेक अस फॉर लॉन्गर प्लीज, एंड वी एंड अप स्टेइंग देयर अ लिटिल बिट लॉन्गर प्लीज, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अभी एक ट्रेलर देख के आ गया। बिल्कुल हां, वो ट्रेलर था मेरे लिए ना।